प्रधान ने हुण मैं बेनती करदा अभय सिंह संधु जिहड़े भतीजा जी ने भगत सिंह जी दे उस स्टेज ते आउण आ के अपना विचार पेश करन जी आओ जी संधु साहब वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह अज सर अजीत सिंह जी साढ़े दादा चाचा जी का 140वां जन्मदिन मनाने वास्ते उस शख्सियत नूं याद कर रहे हैं जिन्होंने अज तो 116 साल पहला 3 काले कानून उदों अंग्रेज सरकार ने बनाए सीगे जमीना खोहन वास्ते पानी दे रेट वधाउण वास्ते उस वेले सरकार जिहड़ी सी उहदा मकसद सीगा कि किसानां नूं बेरोजगार किया जाए उहनां दे बच्चियां नूं फौज दे विच भर्ती किया जाए पुलिस भर्ती किया जाए ताकि अपनी सेवा करा सकन। अज भी तकरीबन हालात इको जिहे ने 116 साल बाद 3 कानून एक कोविड की आड़ दे विच ये बनाए गए आर्डिनेंस लियांदे गए बिल पास कराए गए और वो कानूनां च भी यही कुछ है कि सानू साडियां जमीनां खोहियां जान कारपोरेट घराणियां नूं दित्ते जान जिहड़े अज भी उहनां दे फाइनैंसर ने सरकारां दे इलैक्शनां दे विच वड्डे वड्डे फंड दिंदे ने उही सब कुछ जिहड़ा है वो रिपीट हो रहा सारा कुछ। उस वेले सर जीत सिंह घर जो मार्च के मूवमेंट कुछ तेज हुई 2007 के लाला लाजपत राय के नाल अरैसट कर लिया गया मांडले जेल में भेजा गया उत्थे उन्होंने भुख हड़ताल कीतियां लोगों के एजिटेशन का नवा जोश पैदा होया खास तौर पर आर्मी ने उन्होंने साथ दिता उन्होंने कहता भी असी किसानों के उपर जिहड़े एजिटेशन कर रहे ने असी गोली नहीं चलावांगे असी किसी तरह की तजस्स नहीं करांगे उस तो सरकार उस वेले घबरा गई। अज भी साढ़े खास तौर पर पंजाब हरियाणा के लोग ज़्यादा तो ज़्यादा मिलटरी के विच आर्म फोर्स के विच भर्ती ने इहो जिहा मौका ना आवे कि वह पुत जिहड़े ने वो बगावत करन जा सरकार दे हुकम दी नाफरमाई करन एहो जा मौका आना नहीं चाहिदा। असी सारे शांतमई ढंग दे नाल ये पिछले 6 महीने तो ही आलमोस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं किते भी कोई नुकसान पब्लिक प्रॉपर्टी का नहीं किया कुछ जिहड़े उन्होंने स्पोंसर्ड सीगे उन्होंने 26 तरीक नूं कुछ गलतियां की उन्होंने अपने आका सी उन्होंने कहन ते उन्होंने सारा कुछ इस मुहिम दे विच विघन पाने की कोशिश की उस विघन नूं दूर करते हुए सरकार ते उसते आलमोस्ट नाकाम रही फिर भी असी सारे जथेबंदियों का बहुत धन्यवाद करते हैं इन्होंने बहुत जोश नाल सारे मजदूर एकता इकट्ठे हो के सारे आगुआं ने इस मुहिम नूं अगे चला रहे ने। मैं सारिआं नूं इस गल की बधाई देना कि दोबारा इस अंदोलन दे विच जोश पाया सरकार छेती चुकन वाली नहीं होंदी खास तौर पर इहो जी हिटलरशाही जी सरकार है जिहड़े किसे दा कोई अहसास ही नहीं 200 तो वध इत्थे साडे किसान वीर जिहड़े ने शहीद हो गए अपनियां जानां गवा बैठे ने उहनां नूं कोई अहसास ही नहीं है कि ये मजदूर किसान जड़े ने वो असल किसान ही बैठे ने कभी वो कुछ कह देने कभी किसे टैग लगा देने ये सारिया चीज़ा उन्होंने एक पखंड ने उन्होंने इस चीज़ का समझ लेना चाहिए कि किसान मजदूर अपनी हक वास्ते बैठे ने और अपने हक इतों लैके जाएंगे। सर अजीत सिंह जी तकरीबन 38 साल के करीब जलावतन रहे अलग अलग मुल्कों के उन्होंने
रह के आजादी की लड़ाई वास्ते लोगों को मोटीवेट करते रहे, जर्मन रेडियो तो बोलते रहे, आजाद हिंद फौज नेता जी के नाल रल के उन्होंने 1939 के बनाई, जदों इटली दे विच साडे हिंदुस्तानी सैनिक जिहड़े सीगे ओह अरैसट हो गए, उन्होंने उन्होंने ट्रेनिंग दित्ती और नेता जी नू नाल मिल के उन्होंने नाल सारे फौजी जिहड़े सीगे उन्होंने फौज दे विच मिलाए गए। इस तरह ही वह काफ़ी देर सारिया सरकारां जिहड़ियां यूरोप दे विच सीगियां, इटली दे विच, जर्मनी, फ्रांस, इवन इराक दे विच शुरू दे विच गए, ये सारे नालों मिल के अलग अलग थां तो आजादी की मूवमेंट नूं चलांदे रहे। 1946 जदों वापस आए उस वेले दी इंटरम गौरमेंट बन गई सी, तो पंडित नहरू ने उन्हां नूं एक रिक्वेस्ट भेजी, डाकूमेंट्स इत्थों बनवा के भेजे और आने तो बाद भी उन्होंने इस आजादी की लड़ाई दे विच जदों वापस आए दिल्ली विच और ठहरे तो उन्होंने कहा भी जिहड़ी आजादी की लड़ाई दी तुसीं एक समझौते करन जा रहे हो, ये समझौते ना करो और अज भी थोड़ी होर लड़ाई नू लड़ोगे तो कामयाब रहोगे। पर उसले दी जिहड़े मौजूदा लीडरशिप सी उन्हू कॉल सी इस देश दे प्राइम मिनिस्टर बनन दी, उन्होंने उस चीज़ां नू मन्निया, उन्होंने एक गल पंजाबी उन्होंने कही भी धोती बन के मूंगी की दाल खा के गल नहीं रुकनी, तुसीं इहदे वास्ते कुछ कुरबानी देण नू तैयार हो तो तदे रुक सकती है, पर नहीं हो सकिया। अजी अज भी अनडिकलेयर्ड वार पाकिस्तान नाल रोज़ चलती पई है, रोज़ साढ़े नौजवान शहीद हो रहे ने जिन्हां दा कितें गिनती च नहीं आना, और इहो जी गल नूं सरकार नहीं समझ सकी, परंतु उन्हां दी दूर दिशा सी, दूरदर्शी नाल ये चीज़ां उन्होंने उस वेले भी सारियां कहियां। अखीर 15 अगस्त 1947 नूं जदों आज़ादी का दिन उन्होंने एग्रीमेंट जो हो रहा सी रेडियो ते अनाउंस होया सारा सुनिया, वो कहते बहुत अफसोस है कि असी अपनी सारी जिंदगी इस लड़ाई च लगाती, पर मैं हुण अपना विदा लैना। उन्होंने अपने नाल उन्हां दी वाइफ सी और बच्चे सीगे जिहड़े उन्हां दे सार साडे भूआ जी दी बेटी सी उस वेले उन्हां कोल सीगे, उन्हां नूं कहा भी मैं अलविदा लैना, मैं इस दुनिया तो जाना चाहना, मेरा मैसेज तुसीं नोट कर लो, जिन्हां लोगों ने मैनूं 38 साल सपोर्ट की है मैं उन्होंने कुछ मैसेज देना चाहना, उन्हों का धन्यवाद करना चाहना। सो 15 अगस्त वो अपना शरीर छड़ के चले गए, आज़ादी तो बाद पहला तिरंगा झंडा उन्होंने शरीर से पाया गया और एहो जी जिंदगी उन्होंने अपनी व्यतीत की। जान लगे अपनी वाइफ दे मंजे तो उठ के पैरी हाथ लगा के कहते भी मैं सब तो मैं किसी दुख दिता है तो तेनों दिता है भी मैं तेन कह के गया सी भी मैं परसों आ जाऊँगा, परसों निकल गए, वो एकदम पिछे हो गए तो कहते भी जिथे तुम हिंदुस्तान के इनिया मावं के वास्ते लड़ाई लड़ रहे थे, इनिया भैन वास्ते लड़ाई लड़ रहे थे, मैं भी उस देश की बछिंदा हाँ और मैं उम्मीद करती हाँ कि तुम मैं माफ़ नहीं मंगोगे, मैं इस चीज़ को कोई महसूस नहीं करती। उन्होंने वाइफ हरनाम कौर जी सारी उम्र उन्होंने कढ़ी, बच्चों पालिया, शहीद भगत सिंह जी पालन पोषण च उन्होंने बहुत वड्डा उन्होंने हाथ सी, उन्होंने छोटे भाई सरदार सोहन सिंह भी 23 साल की उम्र के शहीदी प्राप्त कर गए सी, उन्होंने काले पानी की सज़ा हुई सी और कोलू के उपर उन्होंने लगाया गया सी। इस तरह परिवार अगे चली गया, सरदार शहीद आजम भगत सिंह का जन्म उस वेले होया जदों इन्हां दी रिहाई हुई है, नवंबर च इन्हां दी रिहाई होंदी है, अक्तूबर सितंबर के शहीद आजम का जन्म होंदा है, उदों ही उन्होंने माती उन्होंने दादी जी जय कौर जी ने नाँ रखा सी भागा वाला भी, उन्होंने पिता जी और चाचा जी वो जेल तो रिहाई दे आर्डर हो गए सी, तो भगत सिंह उन्हों का नाँ पहले भागा वाले उन्होंने रखा जड़ा अगे जाके शहीद भगत सिंह के नाँ से मशहूर होया। अज मैं सरकार नूं अपने वालों एक तरह का अल्टीमेटम कह लो या एक सुनेहा देना चाहना कि आने वाले 23 मार्च तक कोई ना कोई इन्हां कानूनों बारे हल कढ़न, अदरवाइज मैं खुद इस भुख हड़ताल ते बैठांगा, अमरन अनशन करांगा जब तक इन्हां कानूनों नूं वापस नहीं लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू की फतेह।